तो बातचीत के लिए हमारे साथ मोहम्मद तौहीद खान जुड़े हैं, जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं। मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, उसके बाद से हिंदू पक्ष तो काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है, उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी एएसआई की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी हमारे साथियों ने ली है, लेकिन अभी स्टडी करने के लिए हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे हम स्टडी नहीं कर पाए, इसलिए अभी उस पर पूरी तरह से हम कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ भी जानकारी हमें मिल रही है आपके टीवी चैनलों से मिल रही है। ठीक है, अब सर अगला रुख क्या होगा आप लोगों का? अब हम लोग का अगला रुख ये होगा कि एएसआई की रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद और उस पर देखा जाएगा कि इसमें क्या एएसआई ने क्या क्या कहा है। बहुत सी बातें जो आपके चैनलों से मिल रही है वो एएसआई की, जैसे कि बताया जा रहा है, वो एएसआई की जो रिपोर्ट है वो अपने ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके आप जाके दिया है। जैसे कि कोई चीज अगर है तो आपको रिपोर्ट देना है कि साहब इस पर ये चीज है, ये चीज बनी है, ये चीज नहीं बनी है, इसका ये आकृति है। आपको ये कैसे पता कि साहब इसको औरंगजेब ने तोड़ दिया और यहाँ पहले मंदिर थी और उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया? आपको ये सब कहने का, रिपोर्ट में देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है। लेकिन मोहम्मद जी, अगर कोर्ट का फैसला हिंदू के पक्ष में आता है तो क्या आप उस फैसले को स्वीकार करेंगे? कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला तो मानना सबका काम है। हम भारतीय संविधान से, भारतीय कानून से चलते हैं, तो वो मानना तो हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। जी मोहम्मद जी, क्योंकि हमने देखा है ये सिलसिलेवार तरीके से, कैसे ये पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हो, अभी तक के हिसाब से क्या लगता है कितना पलड़ा आपको अपना भारी दिखाई दे रहा है? अभी तो देखिए, कल ही ये सूट के डिसीजन में केवल जो एएसआई की रिपोर्ट को बेस नहीं बनाया जा सकता, बहुत से लॉ है, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, बहुत सारे ये है, वो उस पर भी अभी सब डिस्कस होना है सुप्रीम कोर्ट में। खाली इस बिना पर कि एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया, एएसआई को बेस बना के खाली जजमेंट थोड़ी दिया जा सकता है। लेकिन मोहम्मद जी, हम देख रहे हैं डे वन से ही हिंदू पक्ष जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो काफी आश्वस्त है। आपको आपके पॉइंट में, आपके पक्ष में ऐसे कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? अब जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी एएसआई की रिपोर्ट की स्टडी नहीं कर पाया हूँ मैं इसलिए पूरा डिटेल में अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा आपने कहा कि अभी एएसआई की रिपोर्ट आप स्टडी नहीं कर पाए हैं, इसके अलावा क्योंकि बहुत बार अदालत की तरफ से भी फैसला सामने आया है, और कभी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बॉल जो है अब जिला अदालत में ही डाल दिया है, लेकिन पूरे पक्ष को, क्योंकि मजबूती से आप लोग भी जो है अपना दावा रख रहे हैं, ऐसा कौन सा मजबूत पॉइंट आपको लगता है? तीन ऐसे पॉइंट जरा गिनाइए। देखिए, जहां तक मजबूत पॉइंट की बात है, एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनका जो सूट है, एक सूट पुराना वाला है, ये टाइटल सूट है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है। दूसरे, हमारे पास नंबर्स ऑफ सबूत है, 1883-84 के बंदोबस्त में इस मस्जिद का जिक्र है, इसकी अराजी नंबर अलग है, मंदिर की अलग है, और दीन मोहम्मद का फैसला है 1942 का, उसमें हाईकोर्ट ने होल्ड किया है कि ज्ञानवापी मॉस्क और आयन इट्स कोर्ट यार्ड एंड लैंड अंडरनीथ इज द हनफी मुस्लिम प्रॉपर्टी, वो अभी अनचैलेंज है, वो फाइनल है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में काफी पहले, आजादी के पहले इंदिराज है मस्जिद का होना, और अभी सारे एविडेंस आने हैं, तो ये सारे एविडेंस आने और कागजी सबूत और एएसआई की रिपोर्ट का कंक्लूजन कोर्ट करेगी, अभी कौन सा ऐसा ऑर्डर मेरिट पर हो गया जिससे कि बहुत आश्वस्त है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हिंदू पक्ष तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है कि यहाँ पे इस ढांचे से पहले एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था।
अब किस बिना पे कह रहे हैं, विदाउट एनी एविडेंस कि वहां पर भव्य मंदिर था, कोई बेस तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। एएसआई क्यों, एएसआई भी ये ठीक नहीं है, कह इसी सकती। इसी आधार का जवाब लेते हैं। मदन मोहन जी जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद जी पूछ रहे हैं कि किस बेस पे आप लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं, आधार बताइए जरा। जी, तौहीद भाई जो कह रहे हैं उसको क्रम से मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। पहली जी बात तो इतिहास के आईने में माशिर आलमगीरी जो वजीर था मुस्तहिद साकी, ये औरंगजेब का, उसी के द्वारा लिखा गया है कि वहां पे बादशाह सलामत ने 1669 में 18 अप्रैल को जहाँ पे एक मंदिर था जिसमें, और पाठशाला थी संस्कृत की, जिसमें काफिरों को जुटा के उनको पढ़ाया जाता था और उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, जिससे हमारे अकीदे के लोग भ्रमित हो जा रहे थे और वो काफिर बनते जा रहे थे, इसलिए बादशाह सलामत ने तोड़ा। और दूसरे प्रोफेसर ए के अल्टेकर की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ बनारस, उसमें बड़ा बृहद वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है उसी ज्ञानवापी परिसर का। और तीसरा अगर उठा के देखें तो अभी अभी जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसमें भी बड़ा स्पष्ट हो गया है कि वहां पे जो एक विशाल मंदिर का आधार था उसी पे कथित मस्जिद बनाई गई है। और दो बातें और भी हैं जो लीगली तौर पे अभी जो पटीशन देखा गया है, पटीशन डाला गया उसमें सिंगार गौरी के संदर्भ में डाला गया है, और सिंगार गौरी का कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में जो नागर शैली के मंदिर के भग्नावशेष पर वो मस्जिद खड़ी है, उसके बगल में पिंडी रूप में जीवंत जागृत माँ सिंगार गौरी का विग्रह वहां पे स्थापित है, और नवरात्र के 2 दिनों में अभी तक सरकार ने अनुमति दी थी पूजा करने की, नवरात्र की चतुर्थी को। और उस संदर्भ में हमारा मानना था कि ये हमें नित्य पूजा का अधिकार मिले। और दूसरा हमारा दावा यह भी है कि जो कथित वजू खाना था उसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लोअर कोर्ट के आदेश से, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मदन से जी, ड्यूटी बेशक प्रोटेक्टेड है। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद आप लोग काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भव्य मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, खबरें ये भी सामने आ रही है कि वहां पर एक मूर्तिकार का परिवार रहता था, इसी के चलते वहां पे मूर्तियां हैं, लेकिन मंदिर होने का क्या अवशेष है? होने का अवशेष है, और जो एएसआई की रिपोर्ट में मूर्तियों खंडित मूर्ति मिली है, संस्कृत के लिटरेचर मिले हैं और साथ में कन्नड़ तेलुगु के भी स्क्रिप्ट जी, में। ठीक है मदन जी और मोहम्मद जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी आखिरी फैसला नहीं आया है, उसके बाद ही यहाँ पे तस्वीर स्पष्ट होगी कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है।